राजस्थान में बीजेपी ने जारी की दूसरी लिस्ट, 31 और सीटों पर प्रत्याशी घोषित, 15 एमएलए समेत 3 मंत्रियों के टिकट कटे। दिल्ली में राजनीतिक गलियारों में बड़ी सरगर्मियां, केजरीवाल और खट्टर के बीच होगी टक्कर, पूरे करनाल में लगे आप बीजेपी के वोट। आसिया अंद्राबी के खिलाफ एनआईए ने दायर की चार्जशीट, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप, भारत विरोधी गतिविधियों में भी शामिल। 11 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र, राम मंदिर पर विधेयक आने की अटकलें तेज, 8 जनवरी तक चलेगा सत्र। दिल्ली में फॉर्चूनर कार का कहर, कार ने 9 लोगों को कुचला, एक लड़की की मौके पर मौत, 8 लोग घायल। यूपी में 4 आईपीएस अफसरों के तबादले, उपेंद्र अग्रवाल को गाजियाबाद का बनाया एसएसपी, वैभव कृष्ण एसपी, पीएच की प्रयागराज बने। राफेल डील की सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित, 5 घंटे तक चली सुनवाई, वायुसेना के अफसर भी हुए तलब। दिल्ली एनसीआर में बारिश से बदला मौसम का मिजाज, हवा की गुणवत्ता में भी हुए सुधार। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, केदारनाथ धाम में जमकर हुई बर्फबारी, तापमान में आई भारी गिरावट। अगले 24 घंटे में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश पहुंचेगा गाजा तूफान, मौसम विभाग ने जारी किया हाई अलर्ट।